नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चिकन बना के दिखाऊंगी। देखिए, इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, 1 किलो वाला लहसुन का पेस्ट बना लिया है, 2 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, 2 से 3 तेज पत्ते, ये हमारी दालचीनी, ये हम कसूरी मेथी डालेंगे, ये हमारा मटन मसाला, 1 कटोरी पिसा हुआ टमाटर, 1 कटोरी पिसा हुआ प्याज, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। ये मैं आपको चिकन की रेसिपी बना के दिखाऊंगी। देखिए, हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम सबसे पहले तेज पत्ते और दालचीनी डाल देंगे। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। देखिए, अभी इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। देखिए, चिकन को हम 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए, हमारा चिकन आधा पक चुका है, अब इसके अंदर हम मसाला डाल देंगे। सबसे पहले पिसा हुआ प्याज डाल देंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, देखिए नमक आपको डालना है स्वाद अनुसार। अब इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। देखिए, अब मसाले को 2-3 मिनट तक पकने देंगे। देखिए, हमारा मसाला पक चुका है, अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना ही पानी डाल देना। अब इसे पकने देंगे। देखिए, हमारा चिकन पक चुका है, अब इसके बाद पकने के बाद हम इसके अंदर पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए, एक बात जरूर याद रखना है कि टमाटर हमें सब्जी पकने के बाद ही डालना है, नहीं तो हमारी सब्जी को टमाटर पकने नहीं देगा। देखिए, इसके बाद ही हम डालेंगे कसूरी मेथी, इसे खुशबू अच्छी हो जाती है, खाने में टेस्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम डालेंगे चिकन मसाला। देखिए, अब डाल दिया है गरम मसाला, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक। देखिए, हमारे चिकन करी बनकर तैयार है। देखिए, खाने में बहुत टेस्टी है, दिखने में बहुत अच्छी दिखती है और बहुत सॉफ्ट भी है। देखिए, हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।